India's University Foundation has concerned, whatever communication and commitment given by Mr. Somesh sir, I think all are fulfilled here. मैं मेरे हिसाब से देखूँ या हमने जांच भी किया है और हमने महसूस भी किया है कि उन्होंने जो जो कमिटमेंट हमको दिए थे, जो जो हमारे साथ कम्युनिकेशन किए थे फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू अप टू लास्ट डेज, दे ऑल आर फुलफिल्ड हियर। एज फार एज स्टूडेंट हैज कंसर्न, यहाँ की टीचिंग तो नो अनडाउटली एकदम क्लियर है, सिस्टमेटिक है, डिसिप्लिनरी है, ठीक है। जहाँ तक सेफ्टी की बात है तो यहाँ इतना अच्छा एक इंडियन कैंपस बनाया है, एक अच्छा एक इंडियन माहौल है। जस्ट लाइक आप गोवा में कुछ एंजॉय करने के लिए जाते हैं, यहाँ यहाँ से बच्चा यहाँ पढ़ने का एंजॉय करने के लिए यहाँ आए हैं और वो उतना माहौल इतना अच्छा है, यहाँ खाना रहना बिल्कुल इंडियन नेचुरल कंडीशन है। और मेरे ख्याल से तो हम तो हॉट कंट्री में रहते हैं, हमारा एरिया भी थोड़ा हॉट है, उससे भी हट के हम कुछ अच्छे एनवायरनमेंट में यहाँ आए हैं। बच्चे बहुत खुश है, बच्चे बहुत सेफ्ट भी है और बच्चों के साथ जो जो उन्होंने डिसिप्लिन की बात की है, एटीट्यूड की बात की है, रेगुलरिटी की बात की है, आई थिंक एज पर माई ओपिनियन इट्स द बेस्ट वन एज फार एज इंटरनेशनल लेवल एजुकेशन हैज कंसर्न। अपने बारे में बताइए, आप खुद कहाँ पर प्रोफेसर हैं? एज पर फार माई हैज कंसर्न, बेसिकली आई एम टीचिंग एकेडमिशियन, आई एम स्पेशली डीलिंग विद रिसर्च, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। I am working in all these fields, and these three fields are the very essential things for the development of any country, development of any college, development of any university. And as per my knowledge, I am working in the Anand Agriculture University. This is one of the premier university in the India. And उसी माहौल से जब मैं आया हूँ तो मुझे पता है कि नेशनल इंटरनेशनल का स्टैंडर्ड क्या है, हमारे यहाँ भी बच्चे इंटरनेशनल का वहाँ पढ़ते हैं, तो मुझे वहाँ की जो अरेंजमेंट है और यहाँ का हम अरेंजमेंट है, नो डाउट गुजरात एंड इंडिया सेफ तो है ही है, लेकिन बाहर की जब हम बात करें, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट बाहर जाते हैं तो सबको वरी होती है सेफ्टी के बारे में, सबको वरी होती है कि वहाँ कल्चर के बारे में, सबको वरी होती है वहाँ के एजुकेशन के सिस्टम के बारे में। वो यहाँ अनडाउटली किसी भी दिमाग में या अपने दिल में यदि कोई हर्ट हम ना रखें, कोई ख्याल या डाउट ना रखें हम, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट मेंटल मैनेजमेंट। आपका नाम? माई नेम इज डॉक्टर जे बी पटेल, आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर एंड ही इज माई सन मिस्टर बीरेन जे पटेल। बीरेन, एक वर्ड में अगर कहना हो एंजेलिस और मेंटर के बारे में क्या कहोगे? एक वर्ड, अनबीटेबल। थैंक यू।